This conference will now be recorded. Assalamu alaikum students. Now we are starting 2012 regular division of net income or loss, profit and loss. On April 1st, 2010, Amjad and Mansoor started their business as a partnership firm. They agreed to share profit and loss in the ratio of their beginning capitals. As per agreement, Amjad entitled to a salary of 4,000 per month and commission given to Mansoor 28,000 during the year. They also agreed to receive interest on capital 6% per annum. Net income for the year hai 2011 before distribution. The balance on the capital and current account at the last balance sheet were capital 2 lakh, Amjad ka aur Mansoor ka 1.5 lakh. Dono ka current account balance hai 12,000 aur 17,000. Sawal ki required hai income distribution summary और पार्टनर्स करंट अकाउंट. ठीक है जी, अब पहले जो डेटा गिवन है उसे कंप्यूटेशन करेंगे. सवाल शुरू हो रहा है अप्रैल से, खत्म हो रहा है दिसंबर पे, यानी कि 9 मंथ्स का डेटा बनेगा ज्यादातर चीजों का. पहले चीज क्या आ रही है मेरे पास, सैलरी आ रही है जो हम जब दे रहा है 4,000 पर मंथ, यानी 9 मंथ्स की सैलरी बनेगी इसकी. हम जब की सैलरी बनेगी 9 मंथ्स की, 4,000 × 9 कितना हो जाएगा 36,000 सैलरी. फिर आते हैं इंटरेस्ट पे. दोनों के कैपिटल कितना है बिगिनिंग, 2 लाख और 1.5 लाख है. उसका 6% निकालेंगे तो पूरे साल का आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 6/100. ठीक है, उसको करेंगे मतलब 9/12, यानी 9 मंथ्स के निकालेंगे तो उसका आया 9,000, उसका आ जाएगा 6,750. ठीक है जी, सैलरी आ गई, इंटरेस्ट आ गया. फिर आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बाय बिगिनिंग कैपिटल रेशियो, जो कि बोला है सवाल में. तो अमजद कैपिटल था 2 लाख, मंसूर था 1.5 लाख. दोनों में 4 0 कॉमन काट देंगे, 20 और 15 बचेगा. 5 3 15, 5 4 20, 4 और 3 का रेशियो आ जाएगा. ठीक है ना, अभी जो बैलेंस बचेगा कैसे बचेगा देखते हैं. पहले बनाते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द पीरियड एंडेड December 31st. नेट प्रॉफिट सवाल में लिखा हुआ था 1,14,750. ठीक है ना, और 36,000 की आपकी सैलरीज थी, यहाँ लिखी लेस हो जाएगी. फिर उसके बाद सैलरी हो गई है, कमीशन हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो कमीशन डायरेक्ट डायरेक्ट गिवन था यहाँ पर. सही है, उसकी सैलरी 4,000 पर मंथ थी तो 9 मंथ्स की 36,000 हो गई थी. कमीशन 28,000 हमने एज इट इज लिखा, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कर चुके. नेट इनकम ये लिखी हुई 1,14,750, तो भाई कमीशन लिखा 28,000 मंसूर को मिला और कंपनी के पास से लेस हो जाएगा. इंटरेस्ट मिला दोनों को, इंटरेस्ट मिल रहा है एक को 9,000, एक को 6,750. यहाँ कॉपी कर दिया हमने इंटरेस्ट, 9,000 और 6,750 प्लस करा 15,750 आया. 1,14,750 में से तीनों को माइनस करेंगे तो 35,000 बचे. ये 35,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके रेशियो के मुताबिक. तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 4/7, 20,000 बना. 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7, 7 कैसे आया, 4 + 3 = 7. ठीक है, तो 15,000 ये प्रॉफिट आ जाएगा. 20,000 अमजद को मिला, 15,000 मंसूर को मिला. ठीक है, तीनों ऐड करा 65,000, इन तीनों को ऐड करा 49,750 बना. ठीक है जी, अब बनाते हैं एंट्रीज. नहीं सॉरी, एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, जनरल लेजर रिक्वायर्ड है करंट अकाउंट का. तो दोनों करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, अमजद का 12,000, 65,000 का प्रॉफिट हुआ, टोटल हो गया 77, यहाँ लिखा 77 और ऊपर लिखा बैलेंस सीडी 77, यहाँ लिखा बैलेंस बीडी 77. ठीक है, कहाँ से आया, ये आया बैलेंस 12,000 और 17,000, अमजद का 12, मंसूर का 17. तो भाई उसका 12 लिखा या इसका 17 लिखा, 49,750 प्रॉफिट लिखा, दोनों को ऐड करा 66,750, यहाँ लिखा, ऊपर आएगा बैलेंस सी डी 66,750, यहाँ लिखेंगे बैलेंस बी डी 66,750.